इसके पहले गणित में हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया था परसेंटेज के। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कल के बाद की सीरीज है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक गणित पढ़ाऊंगा, माने गणित की भाषा कैसे पकड़ा जाता है, गणित की भाषा कैसे समझा जाता है। उसके बाद तब हम लोग एक एक करके खंड बाय खंड प्रश्नों की सीरीज लाएंगे, जहां पे प्रश्न आपका छपा रहेगा, टाइप रहेगा पहले से, उसको हल करते चलेंगे। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि दुर्गेश सर जब पढ़ाते हैं तो प्रश्न बोलते क्यों है, क्योंकि अभी हम आपको प्रश्न की भाषा समझा रहे हैं, क्योंकि बोलकर मैं अपनी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाता हूं, बाद में जब किताब की भाषा आएगी तो उसे कैसे डिकोड करना है, गणित की भाषा को डिकोड कैसे करना है, इस बात को समझना हमारे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक एक प्रश्न को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न को रिपीट करते हैं, लिखिएगा। एक दुकानदार किसी सामान को खरीदते समय 10% की ठगी करता है। किसी सामान को खरीदते समय 10% की ठगी करता है तथा सामान को बेचते समय भी 10% की ठगी करता है, 10% की ठगी करता है। इस प्रकार दुकानदार को कितने% की लाभ अथवा हानि होगी। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। इसी सीरीज के साथ हम लोग एक एक करके आज आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, एक दुकानदार एक सामान को खरीदते समय 10% की ठगी करता है और सामान को बेचते समय भी 10% की ठगी करता है, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग हमें ये बताइए कि उस प्रकार उस दुकानदार को कितने% की लाभ या हानि होती है। फटाफट अपने कमेंट दीजिए जो जहां भी देख रहे हैं, ये लाइव क्लास चल रही है आपकी, जल्दी बताइए। कल हमने पढ़ाया था, एकदम बेसिक से पढ़ाया था, कल का मतलब पिछली क्लास हमसे माना करिए, और आप अगर इस टॉपिक को समझ लेंगे, कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी रटना नहीं है, लेकिन बिना सूत्र बिना फॉर्मूले के पढ़ाते हैं, केवल 100 पे पूरा परसेंटेज खत्म करते हैं। आइए देखते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, आप सभी लोग जवाब दीजिए, क्योंकि एक ऐसी पेच है जहां पे गणित में सबको दिक्कत होती है, लेकिन आप यकीन मानिए आप कहेंगे कि वास्तव में गणित सबसे ज्यादा आसान है। अभी तक किसी के सही उत्तर नहीं आ रहे, जल्दी जवाब दीजिएगा, किसी के भी सही आंसर नहीं आ रहे, फटाफट जवाब दीजिएगा। आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदता है, अगर उसका मूल्य नहीं दिया है तो उसका मूल्य माना 100 था। अब ये कह रहा है कि जब दुकानदार ठगी करता है, जैसे मान लीजिए उस दुकानदार ने यह पेन खरीदी, अगर यह पेन 100 रुपए की है, अगर उसने ठगी करी तो कितने खरीदी, जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर यह पेन 100 रुपए की थी, उसने ठगी की 10% तो कितने में लाएगा। अगर दुकानदार कोई सामान क्रय करता है और ठगी करता है तो कम में लाएगा कि ज्यादा में, तो आपने पाया नहीं, वो तो 90 में ही लाएगा, 10% का ठगी किया तो क्या करेगा, वो 90 में लाएगा कि 100 में लाएगा, बताइए पहले आप लोग। अगर वो सामान 100 का है तो क्या करेगा, 10% की ठगी किया, माने 10% तो कम में लाया, जब कम में लाया तो उसने 10% तो पहले ही कमा लिया, माने 100 रुपए का सामान वो 90 में लाया तो 10% तो पहले कमा लिया मालिक, तो ये क्या हो जाएगा, उसने सामान खरीदते समय 10% का ठगी किया, 110/100। क्लियर, कोई डाउट किसी को। दूसरी बात, जब सामान को बेच रहा है फिर 10% का ठगी कर रहा है, माने बेचते समय उसे 10% एक्स्ट्रा लाभ ले रहा है, फिर क्या हो जाएगा, गुणे 110/100। अगर इसका विकल्प देता तो विकल्प ऐसे देता, विकल्प ए 1% की होत -1%, फिर विकल्प बी देता -19%, फिर विकल्प सी देता, विकल्प सी देता मान लीजिए +21%, फिर दे देता यहां पे कोई भी दे देता, तो आप लोग कौन सा विकल्प लगाते, बताइए सबका गलत, जिस हिसाब से आप लोगों ने उत्तर दिया था हमें तो लगता है सबके उत्तर गलत होते, वो दोनों तरफ से लाभ कमा रहे, फायदा अर्जित कर रहा है। अब क्या करेंगे, 100-100 से खत्म, यह लड्डू इससे ठीक। अब क्या होगा, 11 × 11 121 क्या होगा, 121, 100 से कम है ज्यादा, 100 से कम है कि ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा,
21 तो ये हो जाएगा प्लस 21% का लाभ लेगा, क्योंकि दुकानदार ठगी करता है जब तो दोनों तरफ से फायदा होता है, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। मेरी बात को समझिएगा, गौर करिएगा, आप लोगों ने बताइए अभी प्रश्न गलत किया, इसको नोट डाउन करिएगा, इसे इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। जो प्रश्न की भाषा होती है ये गणित की भाषा है कि दुकानदार दो तरफ से लाभ लिया, एक तो खरीदते समय एक बेचते समय, तो लाभ जो होता है उसको बढ़ा कर बताता है, कम कर कर नहीं। याद कर लीजिएगा, जो भी फायदा होता है वो आपकी जो इनकम होती है उस इनकम को बढ़ा कर बताता है, ज्यादा करके बताता है, कम कर कर नहीं बताता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जो साथी जहां भी लाइव है वो उसे शेयर करना ना भूले, चाहे वो फेसबुक पे है चाहे वो जहां भी है, वे सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया हो तो आइए एक आध प्रश्न हम इस पे और करा दे, फिर हम लोग आगे बढ़े। एक आध प्रश्न हम लोग और करा दे फिर हम आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी बताइए कितने लोग के प्रश्न गलत हुए थे, कितने लोग के गलत हुए थे, जल्दी बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को डाउट? अब आगे लिखेगा, लिखेगा एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने का वादा करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% का छूट देने का वादा करता है, उसके पश्चात 10% की ठगी करता है, उसके पश्चात 10% की ठगी करता है, 10% की ठगी करता है। इस प्रकार दुकानदार आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% बढ़ाकर अंकित करता, कितना, मैं तो भूल गया प्रश्न यार, क्या बोला था प्रश्नों, क्या बोला था, कितना बढ़ा के अंकित करता है, 20% हाँ 20% बढ़ा के अंकित करता है और 10% की ठगी करता है। आइए इसको लगाइएगा, 20 बढ़ा के अंकित करता है, 10 का ठगी करता है। ठीक है, तो क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोग हल करिए, जवाब दीजिए, इसके नोट्स बनाते चलिए, एकदम बेहतर नोट्स होगा, उसके बाद किसी भी किताब से पढ़ेंगे, किसी भी किताब से आप पढ़ेंगे आपको उत्तर पता चल जाएगा। कोई भी किताब रहे उसका नियम अलग, आपका नियम एकदम अलग, हम लोग एकदम अलग पढ़ते अलग पढ़ाते हैं, कोई नियम से समझौता नहीं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। अरे यार इतना सरल प्रश्न हम आप लोग को बोल रहे हैं, क्या हुआ जी यूट्यूब? बताइए जल्दी से। एक दुकानदार कोई सामान है, कोई वस्तु है, जब उस सामान को बेचता है तो 20% अधिक अंकित करता है और 10% ठगी करता है। तो हमने क्या सीखा कि जब वस्तु का मूल्य नहीं पता, माना वस्तु कितने का था, 100 रुपए का था, 100, क्योंकि मैंने माना ना, मैंने स्टार्टिंग बताया था मैं पूरा परसेंट 100 में पढ़ाऊंगा। जब वस्तु अपने आप में 100% थी तो दुकानदार क्या करता, 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% का मतलब गुणे 120/100, माने बढ़ा कर अंकित करेगा तो उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। छूट दिया था क्या? अच्छा छूट दिया था, सॉरी 20% का छूट दिया था। अच्छा सॉरी, मैंने प्रश्न गलत बोल दिया है, मतलब गलत लिख लिया कि वह एक दुकानदार 20% की छूट देता है। छूट देना मैंने कम में दिया, छूट बोला था मैंने ना, छूट, तो छूट मतलब 80/100 में दिया। और 10% की ठगी करता है, 10% की ठगी माने कितना हो जाएगा, 110/100। छूट माने कम करना, छूट माने कम करना और ठगी माने ज्यादा लेना, ठगी माने ज्यादा लेना, छूट माने कम करना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए 100-100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, 11/88 100 से कम है कि ज्यादा? कम। कितना कम? तो आपने देखा कि यह -12%, माइनस का मेरा मतलब होता है लॉस होना, माने उस दुकानदार को 12% की हानि होगी, 12% की क्या होगी, कमी होगी।
ठीक है, 12% की लॉस या 12% की कमी होगी। अब बताइए कितने लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब हम टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो ठीक है, वरना अब हम टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं। इसके बाद अब हमारी टॉपिक चेंज होगी, अब हम यही सवाल का यही नियम कहां पे यूज करेंगे, अब हम लोग क्षेत्रफल पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, मेंसुरेशन पर, आयतन पर यूज करने जा रहे हैं। तो जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आ गया। ये लाइव क्लास है, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न लिखिएगा। अब जब मैं क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा, मेरी बात को गौर समझिएगा, क्षेत्रफल और आयतन एक लाइन में आप हल करेंगे और किसी भी किताब में उठा के देखेंगे तो एक एक पेज में सवाल हल होते हैं। तो आप बताइए किसी भी सवाल को आप एक पेज में हल करना चाहेंगे या एक लाइन में, और एक लाइन वह जिसका कोई सूत्र नहीं है, एक बेसिक फॉर्मूला। तो आपके ऊपर है कि आप बेसिक फॉर्मूला से हल करना चाहते हैं या बड़े बड़े सूत्र रटना चाहते हैं। न मैं सूत्र रटूं न सूत्र रटने की सलाह दूं, लेकिन मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा, वह बेसिक बातें समझ लेंगे, बेसिक बात है जो, उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी गणित में। आइए वो बेसिक बातें क्या है एक एक करके जानते हैं। जैसे आप जुड़िएगा फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे शेयर कर दीजिएगा, दोनों में। जैसे हमने ये देखा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारा चाहे ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा आयत हो गया या वर्ग हो गया, ये हमारा आयत आयत हो गया, और चाहे ये हमारा त्रिभुज हो गया। इनके बारे में एक बात जानते रहिएगा, पहले मेरी बात बेसिक समझिएगा, फिर ये परसेंटेज में हल करूंगा। ये सारे सवाल हम परसेंटेज से ही हल करेंगे। इनकी एक विशेषता जानिएगा, इसमें होता है 2D आकृति, एक होता है 3D आकृति। क्या होता है 2D और 3D? तो जहां पे क्षेत्रफल निकाला जाता है, जहां पे क्षेत्रफल निकाला जाता है वहां पे दो भुजा की बात की जाती है। कितनी भुजा की? दो भुजा की। लेकिन जहां पे आयतन की बात की जाती है वहां पे तीन भुजाओं का होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझे रहिएगा। जहां पे ये देखिए, अगर इसका क्या होगा 2πr, माने r का मतलब दो बार। यहां पे देखिएगा भुजा गुणे भुजा, जैसे यहां पे अगर क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूं, केवल केवल मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो यहां पे हमने क्या देखा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर लिखिए चाहे ए स्क्वायर लिखिए, ये भुजा स्क्वायर। ये क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे भी अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज के आधार पर ही होगा। अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन में बता दो, जैसे समकोण की अगर बात होती तो 1/2 समकोण की बात कर रहे हैं हम, 2। चलिए भी इसके बारे में बताइए, तीन फॉर्मूला होता है ना, तीनों के बारे में बता देंगे। तो यहां पे हमें ये देखना है कि यहां पे जहां पे क्षेत्रफल की बात करेगा वहां पे दो बार आर, दो बार भुजा, दो बार लेंथ इनटू ब्रीथ, यहां भी देखेंगे दो बार आएगा। अभी हम इसको लगाएं, इसको त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। इसलिए अब इस तरह के प्रश्न को जब प्रतिशत में लगाना होगा तो बड़ी बड़ी सवाल लगते हैं, लेकिन आज आप लोग थोड़ा सा समय दे देंगे, थोड़ी सी लॉजिक समझ लेंगे, कभी भविष्य में आपके सवाल गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं कैसे हमें हल करना है। तो चले सवाल पे, आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार होंगे तभी हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है? चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा एक आयत के, ध्यान से लिखिएगा एक आयत के अभी क्षेत्रफल ही लिखिएगा, क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न, पहले हेडिंग डालिएगा, पहले हेडिंग बनाइएगा क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, पहले हेडिंग बना लीजिए क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब उसमें लिखिएगा एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तथा उसकी चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न को गौर समझिएगा। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 30% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक लाइन में आपका उत्तर आना चाहिए, एक लाइन में, मतलब चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो उत्तर आपको एक लाइन में ही लाना है और मात्र 13 सेकंड, मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट कर बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे हमें देखना है क्या, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक विधि बताई थी जहां कुछ नहीं दिया हो, माना 100, मानिए जो क्षेत्रफल था ये अपने आप में पहले 100 था। ये क्षेत्रफल क्या था, अपने आप में 100 था। जब 100 था तो इसकी जो लंबाई है कितना बढ़ाया गया, 20, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, ये लिखेंगे 120/100। क्लियर। अब इसकी चौड़ाई में 30% की कमी करना है। जब चौड़ाई में 30% की कमी करना है तो क्या लिखेंगे, चौड़ाई में 30% कमी है तो लिखेंगे 70/100। क्लियर, 70/100। अब देखिए, अब इसको चाकू लगाना शुरू करिए, 100 100 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, बचा क्या, 12 7 84। अब ये बताइए 84 जो है 100 से कम है कि ज्यादा, 100 से कम है कि ज्यादा, पता चला कम है, कितना कम है, तो -16% का नुकसान होगा, -16% का नुकसान होगा, मान इसके जो क्षेत्रफल है वो -16% हो जाएगी। आप सोचिए इस प्रश्न को अगर किसी किताब में देखिएगा तो इतना बड़ा सा लगा है, लेकिन आप यहाँ पे इतना आसानी से समझ गए कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आपको आज समझ में आया कॉन्सेप्ट, अभी पूरा पढ़ाएंगे, केवल इसी से नहीं, वृत्त, त्रिभुज, गोला, शंकु, बेलन सब पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत, और सब एक लाइन में, बस एक लाइन, ये एक लाइन में, बस एक लाइन में, एक लाइन में आपको उत्तर आएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, किसी कोई डाउट, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रख लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाओ तो बेल आइकन भी चेक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। अगर आप चाहे वीडियो फेसबुक पेज लेनी भी दुर्गेश पे देख रहे हैं, चाहे आप ये यूट्यूब लेनी भी दुर्गेश पे देख रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न और लिखिएगा, एक बार और लिखिएगा, फिर मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, पढ़ाने के बाद टॉपिक एक चेंज कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरे पे चलता हूँ, दूसरे आकृति पे। एक एक आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि कर दीजिए, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से उत्तर बताइएगा, मात्र 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में आपको सवाल लगाना है। क्या आप गणित के सवाल 10 सेकंड में लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं, कभी आपने सोचा नहीं, आपने कभी चाहा नहीं, जब भी चाहेंगे आप लगा लेंगे, बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग चल रहा है ये वीडियो, इस समय फेसबुक पेज पे भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है, दोनों जगह लाइव चल रहा है, दोनों जगह आप शेयर कर दीजिएगा जहां जहां भी आप जुड़े होंगे, ठीक है, सभी साथियों को एक दूसरे को शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, तो कर भला तो हो भला, ठीक है। मैं एक बार दोबारा शेयर कर दे रहा हूं, इसको बताइए जल्दी से हल करिए क्या आएगा। उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई जबकि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइए, फेसबुक लाइव चल रही है, फिर से चेक कर लीजिएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। कोई कह रहा है 100%, कोई कह रहा है नो चेंज, आइए देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक कह रहा है कि एक कोई आयत है, आयत की लंबाई में कितना बढ़ाया गया, 25%, तो क्या लिखेंगे, जब 25% बढ़ाया जाएगा तो हम लिखेंगे, पहले माना जब कुछ नहीं था तो क्या मानेंगे, माना उसका क्षेत्रफल पहले 100 था, फिर गुणे,
पहले उसने लंबाई में कितना बढ़ाया, 125, हम लिखेंगे 125 का बटा 100, गुड है। उसके लंबाई में कितना कम किया, कितना कम किया उसकी लंबाई में, कितना कम किया 20%, तो 80/100। अब जरा बताइए आप लोग कमेंट करके, मैं आपको वो दे रहा हूं, विकल्प दे रहा हूं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। विकल्प मैं यहां पे विकल्प दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और विकल्प ले जवाब दीजिए पहले। विकल्प ए +100%, विकल्प बी -100%, विकल्प सी, बी हो गया ना, विकल्प सी नो चेंज, विकल्प डी, चलिए यहां से सही मान लिए। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प आपने सही किया है, तब हम आगे सवाल लगाएं। कमेंट करके जल्दी बताइए आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, 100% -100% नो चेंज क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आइए देखते हैं क्या होगा, कितना इंटरेस्टिंग सवाल और कितना सरल सवाल है। बताइए क्या किया हमने, 100-100 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, 0-0 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 25, ऊपर क्या बचेगा, 25×4 बराबर क्या हुआ 100%। तो बताइए जब 100% उसका क्षेत्रफल था, फिर 100 ही हो गया, तो क्या होगा, नो चेंज, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, अब जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग का यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। सोचिए परसेंटेज का सवाल, मेंसुरेशन हमने यूज किया और आपने उत्तर फटाफट से बता दिया। बताइए आपने मात्र 10 से 15 सेकंड लिया, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए जब किताबों में से लगाएंगे तो डेढ़ डेढ़ पेज में लगता है। मानो उसकी लंबाई x थी, फिर x का 25%, x का 100 प्लस 25/100, फिर जोड़ेंगे, फिर रखेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पुराने क्षेत्रफल से नए क्षेत्रफल से तुलना करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि नो चेंज। लेकिन आपने एक लाइन में बता दिया मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में कि नो चेंज। कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को डाउट, अगर आपको लग रहा है वीडियो समझ में आ रहा है, दूसरे लोग को भी समझ में आएगा, तो शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम लोग प्रश्न को बदलने जा रहे हैं, अब हम प्रश्न को बदलेंगे और मैं देखता हूं कि अगर ये टॉपिक समझ में आ गए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल चुका रहेगा। एक प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा, ध्यान से पहले प्रश्न लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। एक आयत के लंबाई में 30%, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी गई, चलिए 30% वृद्धि कर दी गई, तथा उसकी चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, 50% की वृद्धि कर दी गई, 50% की वृद्धि कर दी गई, तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जल्दी से बताइए, 10 से 15 सेकंड है आपके पास, सभी लोग जल्दी बताइए। और देखिए डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा इलर्निंग पे दुर्गेश से। ऑनलाइन क्लास के लिए भी अगर आपको जुड़ना है तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, नोट्स भी उपलब्ध है आपको यहां से। हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहां पे हमने ये देखा कि पहले मानव क्षेत्रफल क्या था, अपने आप में 100 था, फिर गुणे कितनी वृद्धि हुई 30, तो भैया 130/100, फिर क्या उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई 50, 150/100। अब आइए, अब इसको चाकू से काटना शुरू करते हैं हम लोग, 100 100 से क्लियर, यह लड्डू इससे, 13×15
13 गुणे 15, तो भैया जी क्या होगा, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 195 होगा ना, 195, 100 से कितना ज्यादा है, 95% उत्तर आया था। सोचिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, कितने में, एक लाइन में, ठीक, एक लाइन में आपने आसानी से उत्तर निकाल लिया। अब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे, अब हम क्या पढ़ाएंगे, त्रिभुज, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, इसी नियम से पढ़ेंगे त्रिभुज, कोई अलग नियम यूज नहीं करेंगे, इसी नियम से हमें त्रिभुज भी पढ़ना है। तैयार है आप लोग, बताइए आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, क्या गजब के हैं, मतलब अगर शेयर कर देंगे तो पता है क्या होता है, उन सभी लोगों तक पहुंच जाएगा, हो सकता है उस वीडियो को क्लिक करेंगे, देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग नहीं लाइक करते, आप लोग को लगता है पैसे कट जाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे ना। आइए ध्यान से देखते हैं, अब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, लिखिएगा किसी भी त्रिभुज के, लिखिएगा एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दीजिए, तथा उसके लंब में भी 20% की कमी कर दी गई। इस प्रकार त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, हमने दोनों को -20 किया है, -20% यहां भी किया है, -20% यहां भी किया है। अब आपको यह बताना है कि ओवरऑल जो त्रिभुज था उस त्रिभुज में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। अब आप कहेंगे सर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद है, सर हमें फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं मालिक यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मेरी गणित कक्षा में आपको फॉर्मूला एकदम यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटना होता तो दुर्गेश्वरी गणित का ही पढ़ते, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ना, ऐसा तो नहीं मैं अकेले पढ़ाता हूँ, तो फिर यहाँ आए हैं तो यहाँ फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम ये मानेंगे पहले इसका क्षेत्रफल माना क्या था, 100 था, कितना बढ़ा पहले 20% कम हुआ ना, कमी तो हो जाएगा 80/100, क्या हो गया 80/100, फिर कह रहा 20% कमी हुआ, फिर 80/100, 100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, अब हो गया ये 8×8 = 64, 100 से कम है ज्यादा, कम, कितना कम, -36% की कमी हुई। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट आप इसे कर सकते हैं, डेली क्लास में जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके जुड़े रहिएगा। अब यहां से जो पढ़ेंगे वह अब मोड़ लेगा, अब यहां से क्या होगा, एक बड़ा मोड़ लेगा, दोनों बार कमी क्या था, मैंने दोनों बार कमी था, अब मैं जो यहां से पढ़ाऊंगा वो एक बड़ा सा मोड़ लेगा, और आप भी सोचेंगे कि सर यहां से तो गड़बड़ होगा, आइए देखते हैं। देखिए डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367। अब जो इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वहां से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी तकलीफ, लेकिन अब आपको एक बार वहां का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो यकीन मानिए गणित को इतना हलवा मान लेंगे आप, इतना हलवा मान लेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप तैयार हैं, इसके बाद पैटर्न चेंज होने के लिए परेशान है, पैटर्न चेंज के लिए परेशान है, तैयार हैं आप, बताइए। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर उनको पूरा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, और डबल क्लिक अपनी स्क्रीन पे करेंगे तो पूरा बोर्ड दिखेगा, वो उनके मोबाइल में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि ऑटो जूम कम कर देता है, जूम बढ़ा देता है, तो उसके लिए जो लाइव देख रहे हैं वो अपने डिस्प्ले पे डबल क्लिक कर देंगे, जैसे अपने डिस्प्ले को डबल क्लिक करेंगे जूम आउट कर देगा, वो आपके मोबाइल से सिस्टम है, यहां सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग एक नई विधि की आगाज करते हैं, लिखिएगा एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, आप लोग इसे हल करिए, हल करके बताइए। कुछ लोग कह रहे सर आप एक बार कमी एक बार कुछ भी बोले थे, आपको समझ में आ गया ना, आप कॉन्सेप्ट समझिए। अंक परीक्षा में बदल देगा क्या? जरूरी है जो अंक हम यहाँ बोलते वही अंक परीक्षा में बोलेगा? नहीं, कतई जरूरी नहीं है। तो जब जरूरी नहीं है तो भाई आप भी बदलते रहिए ना। कुछ भी आए, मेथड समझ में आना चाहिए, टेक्निक समझ में आना चाहिए, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए अपना समय दे रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। तो बताइए, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। यहां से टेक्निक शुरू हुआ, अब यहां से कॉन्सेप्ट आपका शुरू होना शुरू हुआ। बताइए जल्दी कमेंट करके, बताइए जल्दी सभी लोग, सभी लोग जल्दी बताएं। देखिए जो लाइव है वो एक दूसरे को शेयर कर दें, तुरंत क्लिक करें शेयर में। आइए कैसे इसका 44% आएगा उसको भी चेक करते हैं, उसको भी जानते हैं, उसको भी देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। जब किसी भी आकृति का 2D आकृति का एक भुजा दिया हो और उसका क्षेत्रफल पूछे तो उसको दो भुजा अपने आप कर लेंगे। मैंने आज ही स्टार्टिंग में बता दिया था कैसे। माना इसका क्षेत्रफल पहले अपने आप में 100 था, फिर गुणे। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणे भुजा या भुजा दो बार। अगर एक बार दे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर एक बार दे और क्षेत्रफल पूछे तो गुणा आपको दो बार कर लेनी है। कितनी बार? दो बार। तो क्या करेंगे यहां पे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 100 ही है तो यहां पर हम लिखेंगे 120/100 फिर गुणे 120/100। मेरी बात को गौर समझिएगा, जहां भी कहीं 2D आकृति दे और क्षेत्रफल पूछे तो उसका गुणा आपको दो बार करना है। एकदम मान लीजिए एकदम बेसिक को इसको। अब हम क्या करेंगे, अब तो आप इसके आगे कर ही लेंगे, 100-100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, 12 × 12 करेंगे तो 144 आएगा और 144 आएगा तो हमने देखा +44% की वृद्धि होगा। क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग और आगे बढ़े। पैटर्न समझ में आया? अभी मिक्स करके सवाल बोलेंगे, अभी इतना भी आसान नहीं जितना हम आप समझते हैं। अभी सभी लोग गलतियां करेंगे, अभी देखिएगा, अभी सभी लोग गलतियां भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कहां करेंगे, लेकिन अगर ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान से करेंगे। सोचिए एक लाइन में आप उत्तर ला रहे, एक लाइन में, फिर भी संख्या नहीं बढ़ रही है, लाइव की लाइव देख रहे हैं आप लोग, फिर भी संख्या आपकी कम है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी अभी भी पढ़ाने में? इससे आसान गणित आपको नहीं मिलेगा, घमंड नहीं ये गर्व है। आगे देखिएगा, लिखिए भैया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? एक समबाहु त्रिभुज के भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बताइए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कहें, ऐसा क्या दिक्कत है बताइए। तो अगर दिक्कत ज्यादा लग रही हो तो फिर बताइए आप लोग के। तो हम लोगों ने देखा कि मैंने एक बार स्टार्टिंग में बता दिया था कि किसी भी आकृति का यदि क्षेत्रफल पूछे और एक भुजा दी हो तो हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, हमें फार्मूले से कोई मतलब नहीं है कि कड़ी में, माने भुजा कड़ी में, भुजा कड़ी में 3^4 ऐसा हमें कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हमें केवल इतना जानना है अगर वो क्षेत्रफल पूछ रहा है बंदा, अगर बंदा क्षेत्रफल पूछ रहा है
तो क्षेत्रफल उसको पूछ ही रहा है, और हमें क्या क्या ज्ञात है, तो हमें पता चला हम लोग को जो ज्ञात है वो एक भुजा ज्ञात है। तो जहां पे एक भुजा ज्ञात और क्षेत्रफल पूछे, हमने कहा था कि दो बार हो जाएगा क्योंकि कर्णी में तीन भुजा स्क्वायर बटे चार होता है, कहीं ना कहीं भुजा का भुजा गुणा हो ही जाता है आप अगर देखेंगे तब, और परसेंटेज में बस यही माने रखता है कि भुजा कहाँ है। आप इसे किताब के मेथड से भी लगाएंगे एक रत्ती का भी फर्क नहीं पाएंगे। आइए हल करते हैं हम लोग। हमने हल किया तो पाया कि उसका क्षेत्रफल पहले क्या था, सौ था। क्षेत्रफल क्या था, सौ था। जब उसका क्षेत्रफल अपने आप में सौ था तो पहले क्या होता है 10% की कमी, जब 10% कमी होगा तो जाएगा 90/100, फिर गुणे 90/100। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 100 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 9 9 81 81, 100 से कम है ज्यादा, पता चला कम है, कितना कम है 19%। तो दिया गया प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, 19% होगा। क्या होगा, 19% होगा। क्लियर, क्या होगा वो 19% होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी, कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, बताइए। चलो आज की क्लास यही खत्म होती है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।